आज हम डिस्कस करेंगे इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे और फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे डेटा, और डेटा देख लीजिए किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितने कंपाउंड्स हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। 26.7% कार्बन, कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 26.7। तो हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 26.7%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2.2% है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2.2%, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 26.7%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देखिए क्या करना है हमें, इन दोनों का पहले प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, क्योंकि हमें 100 में से, परसेंट मतलब 100, तो 100 में से माइनस करना है इसलिए। तो हम देखेंगे कितनी आएगी, 28.9 आ जाएगी। अब इसमें से 100 में से माइनस कर दें 28.9 को, तो 71.1% आ जाएगी हमारे पास ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के परसेंट कितने हैं हमारे पास, 71.1% ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। इसके अलावा आप देखिए आपके पास जो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम करना है, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये बन जाएगा डेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको मालूम करना है। इसके लिए जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, तो इसके लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें मालूम करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, 90। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ऑफ द कंपाउंड कितना दिया हुआ है, 90 amu। ये आपके पास बन गया डेटा। सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा, इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी दी गए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी दी गए, आपने दोनों में से 100 में से दोनों को प्लस किया, 100 में से माइनस किया, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई, 71.1% आपके पास ऑक्सीजन आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना पड़ेगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें मालूम करना पड़ेगा। इसके आगे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जबकि 90 amu आपको कंपाउंड का एटॉमिक मास यूनिट दे दिया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर ली। इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स में कितने कितने मोल्स हैं वो निकालेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, परसेंट ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे, क्योंकि कार्बन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन जितनी हमने निकाली, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने कितने निकाली है, 26.7% आपको दी हुई है, डिवाइड करेंगे 12 से। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो आपको दी गई है सवाल में, डिवाइड बाय एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन ये भी देख लें हाइड्रोजन। अब इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये भी देख लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ आपको हाइड्रोजन कितनी दी हुई है, 2.2% दी हुई, जबकि आपने ऑक्सीजन की कितनी निकाली, 71.1 थी जो आपने निकाली थी ऑक्सीजन की परसेंटेज, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो इसका क्या आएगा, 2.22, इसका 2.2 और इसका कितना आएगा, 71.1, तो 16 से डिवाइड करेंगे
4.44 मोल्स। तो ये आपने क्या निकाल लिए, इनके मोल्स निकाल लिए। इस तरीके से आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पहले आपने परसेंटेज देख ली, परसेंटेज को ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल ली, इसके बाद आपने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। तो परसेंटेज को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, अगर कार्बन दिया तो कार्बन की, हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन की। तो ये आपने क्या निकाल लिया, मोल्स आ गए मोल्स। ये तो आपने निकाल लिए मोल्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे इंपीरिकल फार्मूला, यानी सादा फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला अगर हम इसके बाद निकालेंगे तो इंपीरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आपके पास 2.2 है, 2.22 है, 2.2 है और 4.44 है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास 2.22 है। अब हम इस लीस्ट वैल्यू से इन तीनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो देखिए कार्बन, कार्बन कितना हमारे पास 2.22, हमने इसके नंबर ऑफ मोल निकाले तो लिस्ट वैल्यू ये है 2.2, इससे डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपने कितने निकाले हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने निकाले आपने 2.2, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 2.2 से, इसी वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन कितना है आपके पास 4.44 आया, 4.44 आपके पास ऑक्सीजन आए थे मोल्स उसके, तो 2.22 से इसको भी डिवाइड कर देंगे हम। तो इसका कितना है, इसका भी आया आपके पास 1, इसका कितना है आपके पास, इसका 1 आया, इसका भी क्या गया आंसर आपके पास 1 आ गया, और इसका आंसर क्या आपके पास 2 आ गया। तो इस तरह आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप C1H1O2। ये आ गया आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे आपने यहां कहा था एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, उसके लिए आपको इंटीजर नंबर निकालना पड़ेगा। तो यहां तक तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे फिर इंटीजर नंबर की मदद से। ये तो आपने निकाले एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। अब हम निकालेंगे इसका इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर निकालने के लिए आपको एन क्या निकालेंगे, अब हम एन, एन अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली। एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ है, जो 90 mu दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आप डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, ये एन निकालने का आपके पास फार्मूला है। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला मास निकालेंगे सबसे पहले। तो 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा 12 1 प्लस 32, तो हमारे पास कितना आएगा 45 आ जाएगा। 45 amu हमारे पास किसका आ गया, एम्पिरिकल फार्मूले का मास हमारे पास आ गया। तो हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मास कितना 45, और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, वो कितना है 90। तो 45 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आ जाएगा। इंटीजर नंबर हमारे पास कितना आया, n इज इक्वल टू 2, 90 को 45 से डिवाइड करने पर हमारे पास इंटीजर नंबर कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये हमारे पास इंटीजर नंबर आ गया। आप इस इंटीजर नंबर को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिजल्ट देख लीजिए। एम्पिरिकल मोलिकुलर मास हमारे पास, मोलिकुलर फार्मूला क्या है हमारे पास, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास एन कितना है 2, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कितना है C1H1O2। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोलिकुलर फार्मूला C2H2O4 आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो
इस तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूले से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लिया।